Hello students, and in this video we are going to read chapter 3, A Day in the Jungle. तो ये कहानी जय और वरुण दो बच्चों की है, ठीक है, जो कि जंगल में जाते हैं. देखते हैं आगे क्या है. The children were excited early in the morning. They walk up to the chirping of the birds before the sun's rays could peep in through the treetops. They had taken their seats in the jeep. This was their first visit to the jungle with their parents. A forest guide who knew the jungle well also accompanied them. तो जय और वरुण दो बच्चे थे जो कि बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे. और वो क्यों एक्साइटेड थे? क्योंकि वो पहली बार कहाँ जा रहे थे? जंगल जा रहे थे घूमने के लिए अपने पेरेंट्स के साथ. और वो सवेरे बहुत जल्दी उठ जाते हैं, है ना. जैसे भी हम लोग को भी कहीं जाना रहता है या तुम लोग कहीं जाना रहता है तो रात को नींद भी नहीं लगती है ना. बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हो और जल्दी भी सुबह जल्दी उठ जाते हो. तो उसी तरह जय और वरुण भी क्या करते हैं, उस दिन बहुत जल्दी उठ जाते हैं. वेलकम टू द मुक्त वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेड द गाइड. यू विल सी लॉट्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स हियर, एंड इफ यू आर लकी यू मिस इवन स्पॉट अ टाइगर. तो गाइड क्या कहता है, गाइड भी था उन लोगों के साथ गया हुआ. तो गाइड क्या करते हैं, वेलकम करता है मुक्त वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. वो लोग कहाँ गए हैं? मुक्त वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में गए हैं. और गाइड कहता है कि आपको यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स देखने को मिलेगा, और अगर आप लकी हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, टाइगर भी दिखेगा. लुक, सेड द गाइड पॉइंटिंग टू समथिंग मूविंग अंडर अ बुश. दे पियर डाउन एंड सॉ अ पॉर्क्यूपाइन. इट ब्रिस्टल इट्स क्विल्स. वाओ, सेड जया पॉइंटिंग टू द स्पाइन्स. दोज लुक लाइक दे वुड रियली हर्ट. तो गाइड ने उन लोगों को क्या दिखाया, एक पॉर्क्यूपाइन दिखाया, ठीक है, जो कि कहां पे था, बुश पे मूव कर रहा था. और गाइड ने देखते ही उसको क्या किया, उन सभी को दिखाया, यानी वरुण जया और उनके माता पिता को दिखाया. और उनको देखते ही क्या किया पॉर्क्यूपाइन, क्या किया, अपना जो उसके उन लोगों के शरीर में देख रहे हो कांटे जो रहते हैं ना, उसको क्या कर दिया, वो खड़ा कर दिया. ब्रिस्टल्स इट क्विल्स, यानी कि वो अपने कांटे क्या कर दिया, खड़े कर दिए. और जया इसमें बहुत ही क्या हुआ, उसको बहुत ही अमेजिंग महसूस हुआ. और वो क्या कह रही है कि जो कांटे उसके स्पाइन्स है वो बहुत ही ज्यादा क्या लग रहा है, जैसे कि अगर लगेगा तो बहुत ज्यादा क्या कर देगा, हर्ट कर देगा किसी को भी. दे ड्रोव ऑन एंजॉयिंग द ओवरहेड कैनोपी ऑफ ट्रीज एंड जेंटल बम्प्स ऑन द रोड. अप अहेड अ फ्यू स्पॉटेड डियर वेर क्रॉसिंग द रोड. व्हेन दे वेंट क्लोजर द डियर सीम टू हैव डिसअपीयर्ड. तो अब वो आगे जीप से आगे बढ़ते गए, है ना, जंगल के अंदर क्या कहिए, और अंदर चलते गए मतलब गाड़ी से. और उन लोगों को रास्ते में क्या दिखा था, डियर दिखा उनको, क्या दिखा, डियर जो कि रोड क्रॉस कर रहे थे. लेकिन जब वो पास में गए तो डियर क्या हो गया, डिसअपीयर्ड, यानी अदृश्य हो गए, देख नहीं पा रहे थे अब वो लोग. वेयर डिड दे गो, आस्क वरुण. वरुण पूछता है आखिर वो लोग कहाँ गए. तो गाइड क्या कहता है, दे आर स्टिल हियर, दे आर कैमोफ्लॉज, छलावरण, कैमोफ्लॉज मतलब छलावरण. तो गाइड कहता है कि वो अभी भी यही है लेकिन हमें दिख नहीं पा रहा है. क्यों नहीं दिख पा रहा है, कैमोफ्लॉज की वजह से. तो जया पूछती है कैमोफ्लॉज क्या है, तो वो क्या कहता है, इट इज अ स्पेशल वे ऑफ हाइडिंग बाय एनिमल्स एक्सपेशली व्हेन दे सेंस डेंजर. तो एक तरह का यह हाइडिंग है, एनिमल्स क्या करते हैं, इससे छुप जाते हैं, ठीक है, जब भी उनको डेंजर महसूस होता है, खतरा महसूस होता है. तो द कलर्स एंड पैटर्न्स ऑफ देयर बॉडी ऑफन हेल्प देम टू मर्ज विद देयर नेचुरल सराउंडिंग. तो जो कलर्स और पैटर्न्स होते हैं उनके बॉडी में, वो क्या करते हैं, उनके आसपास के चीजों के साथ उनको मिलने में मदद करते हैं, और इस तरीके से वो वहीं पे खो जाते हैं, है ना. और उनको देख पाना बहुत ही मुश्किल होता है. गाइड ने उन दोनों को समझाया, उन दोनों को कहा. द गाइड वॉज लुकिंग थ्रू हिज बाइनोकुलर्स व्हेन ही फ्रोज ही स्टेड हार्ड देन ही पॉइंटेड टू अ ट्री इन द डिस्टेंस. अब वो क्या किया, बाइनोकुलर से वो देखने लगा, ठीक है, और एकदम ही वो फ्रोज, मतलब बहुत ही वो सरप्राइज हो गया, है ना. और उसके बाद उसने एक ट्री के तरफ दिखाया जो कि बहुत ही दूर में था. अ लियोपार्ड ही सेड इन अ लो वॉइस एंड इट हैज अ किल ऑन द ट्री.
तो वो क्या कहता है, उस ट्री में कौन था? लियोपार्ड था। और वो क्या कर रहा है ट्री पे, अपने किसके साथ है? अकिल यानी अपने शिकार के साथ है, यानी जो भोज हिरण या किसी को वो मार करके, और वो उसको भी पेड़ पे साथ में ही बैठा हुआ था। एवरीवन लुक थ्रू द बाइनोकुलर्स वन बाय वन, श्योर इनफ अ मैजेस्टिक लियोपार्ड स्टेट बैक एट देम। तो सभी ने एक एक करके क्या हुआ, बाइनोकुलर्स दूरबीन से उस लियोपार्ड को देखे। व्हाट इज द किल, व्हाई इज इट अपॉन अ ट्री, वरुण ने पूछा। क्या के किल किसको कहते हैं और वो पेड़ पे क्या कर रहा? तो वो कहता है कि ये एक डियर है जो कि लियोपार्ड ने क्या किया, उसको मार दिया, ठीक है, भोजन करने के लिए उस डियर को, डियर का शिकार किया है, और वो इसलिए वहां ऊपर में रखा है, पेड़ पर चढ़ा के रखा है ताकि उसको क्या ना करे, टाइगर या हाइना स्नैच ना करे, स्नैच मतलब छीन ना ले, ठीक है, उससे, इसीलिए वो उसको पेड़ पे रखा है। क्लाइंबिंग अ ट्री इज वेरी स्पेशल एबिलिटी, सेड द चिल्ड्रंस मदर। आप चिल्ड्रेन, बच्चों के माँ क्या कहती है कि जो क्लाइंबिंग ट्री है यानी पेड़ में चढ़ना एक बहुत ही क्या है, विशेष योग्य, एक खास एबिलिटी है, और इसके लिए क्या चाहिए, स्ट्रांग लेग्स भी चाहिए और स्ट्रांग टेल चाहिए ताकि बैलेंस कर सके। और लियोपार्ड जैसे है, टाइगर्स और लायंस जो है वो पेड़ पे नहीं चढ़ सकते, क्यों? क्योंकि उनके वेट बहुत ही ज्यादा होता है, उनका वजन ज्यादा होता है और उनका साइज भी बड़े होता है, बॉडी का साइज। तो दे वॉज द लियोपार्ड टिल इट्स मूव्स टू लीव टू मूव ऑन एंड लीव द बिग कैट अलोन। अब वो लोग देखे और उसके बाद वो क्या किया, आगे चले गए जंगलों में, है ना, और रिवर को क्रॉस करते हुए अब वहां एक जगह पहुंचे जहां पे क्या था, बहुत ही ऊंचे ऊंचे घास उगे हुए थे। एंड दे टूक द नैरो रोड थ्रू इट। अब वो वहां से नैरो रोड पे गए और उन लोगों को क्या दिखा, राइनोसोरस दिखा, और राइनोसोरस के साथ क्या था, उसका राइनोसोर का बच्चा भी था, और वो दोनों कहां पे दिखे, झाड़ियों में। Who can tell me the special about rhinoceros? Asked the children's father. अब children's के मतलब दोनों बच्चों के पिताजी क्या पूछते हैं कि rhinoceros का सबसे special बहुत खास क्या चीज है? तो वरुण कहता है उसका hard skin. तो जया कहती है नहीं, उसका horn, horn मतलब सिंह। क्यों? क्योंकि सिंह क्या है, एक तरह का एक dagger ही होता है जिससे हम लोग लड़ सकते हैं, मतलब rhinoceros लड़ सकता है। तो dagger मतलब क्या होता है, खंजर, एक छोटा तलवार या खंजर कहते हैं। और वो क्या कहती है, राइनोसोरस को, हॉर्न को क्या कहती है, डैगर कहती है, और पापा उसको वेरी गुड करके एडमायर भी करते हैं। लेट्स क्लाइम अप एंड सीट ऑन द मचान। गाइड बोल क्या बोलता है कि चलो अब हम लोग जो है मचान में बैठते हैं। वो लोग सभी मचान में गए और मचान में उन लोगों को क्या दिखा, लंगूर्स दिखे, है ना, और कई सारे मैनी बर्ड्स भी दिखे, और ढेर सारे चिड़िया भी उन लोगों को दिखा। दे ड्रॉप फर्दर इन द वुड्स। अब जंगल में और आगे तक वो गए और अप्रोच द हट, और एक हट यानी छोटी कुटिया के पास पहुंचे, एक छोटा सा हट था उसके पास पहुंचे, और उस हट पे क्या, कौन रहता था, रेंजर रहता था। द गाइड आस्क द रेंजर एनी कॉल्स। अब गाइड रेंजर से पूछता है कि कोई कॉल्स आया, कॉल्स मतलब कोई फोन कॉल्स की बात नहीं हो रहा है, ये एनिमल कॉल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब एनिमल्स क्या क्या होता है वो आगे देखते हैं। दे स्पोक फॉर अ वाइल एंड देन टूक ऑफ द डिरेक्शन द रेंजर हैड पॉइंटेड। वो कुछ देर बात करने लगे और तब उसके बाद उधर डायरेक्शन में चले गए जिधर रेंजर ने इशारा किया। एनिमल साउंड कुड बी हर्ड एट अ डिस्टेंस, व्हाट इज हैपनिंग आस्क्ड। अब जाया पूछते क्या हो रहा है ये, तो उसकी मम्मी क्या कहती है, ये एनिमल्स कॉल्ड आउट इन अलार्म। अलार्म मतलब डेंजर, जब भी डेंजर खतरे का महसूस होता है तो एनिमल्स क्या करते हैं, कॉल आउट करते हैं, मतलब वो चिल्लाते हैं, ठीक है, एक आवाज निकालते हैं, यही एनी कॉल जो पूछा ना वही वाला, ठीक है, एनिमल कॉल यानी जो डेंजर महसूस होने पे अपने साथियों को सतर्क होने के लिए क्या करते हैं, वो एक आवाज के माध्यम से सबको इंफॉर्मेशन देते हैं। द गाइड वॉज ट्राइंग टू ट्रैक डाउन, है ना, गाइड क्या करता है, टाइगर को पता लगाने की कोशिश करता है, पीछा करने की कोशिश करता है, किसके जरिए, एनिमल कॉल्स के जरिए। द फॉरेस्ट वॉज वेरी क्वाइट एंड नो पग मार्क्स, बहुत ही शांत था और कोई चिन्ह भी नहीं मिला। पग मार्क्स मतलब फुटप्रिंट्स, यानी कि टाइगर के पंजों के निशान भी नहीं मिल रहा था।
लेकिन अचानक से क्या हुआ, एन अलार्म कॉल्ड बाय अ लंगूर फॉलोड बाय अ सैम्बर्स बेलो, तभी क्या सुनाई दिया, लंगूर का अलार्म कॉल और सांबर एक तरह का हिरण है, ये सभी क्या करने लगे, एनिमल कॉल देने लगे, यानी कि एनिमल मतलब क्या, एनिमल कॉल मतलब क्या बताते हैं, ऐसा आवाज जो एनिमल्स क्या करते हैं, ज्यादातर खतरे का महसूस होने पर या बड़े जानवरों को देखने पर वो लोग क्या करते हैं, आवाज निकालते हैं। तो क्या था, द टाइगर वॉज रिटर्निंग टू इट्स मिल, भोजन करके वो वापस आ रहा था और सभी एनिमल्स क्या कर रही है, वहां से भाग गए, हट गए। अ टाइग्रेस अपीयर्ड अलोंग विद हर टू एडोरेबल कब्स, तो और उन लोगों को क्या देखा, एक टाइग्रेस एक बाघिनी दिखी और बाघिनी के साथ क्या थे, दो उसके बच्चे भी थे, ये देखो पिक्चर में। द चिल्ड्रेन एक्साइटली वॉच्ड फ्रॉम अ डिस्टेंस, अब वो दोनों क्या करने बच्चे जो है दूर से ही कब्स को देखने लगे, है ना, फ्रॉली खेलते हुए और दूध पीते हुए, और गाइड क्या करने लगा, अब उनको बताने लगा, द टाइगर्स आर नॉन फॉर देयर पावर एंड स्ट्रेंथ, टाइगर्स क्या चीज के लिए जाना जाता है, उसके पावर के लिए, बल के लिए जाना जाता है, और वो अपने से दो गुने बड़े साइज के एनिमल को भी क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं। जया थॉट फॉर अ मोमेंट एंड देन सेड, मदर अनलाइक एनिमल्स ह्यूमंस डू नॉट हैव फैंग्स क्लॉज और हॉर्न्स नॉर कैन वी कैमोफ्लेज, तो क्या कहती है वो अपने मम्मी से पूछती है जया कि जानवरों के जैसे हम लोग के पास फन नहीं होते, पंजे नहीं होते, सींग नहीं होते, और ना ही हम कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज मतलब छलावरण कर सकते हैं, है ना, जैसे गिरगिट को देखे हो ना रंग बदलते हुए, क्यों रंग बदलता है, ताकि वो अपने आस पास के सराउंडिंग में क्या कर सके, घुल मिल सके, और उसको जो है उसके जो मतलब एनिमल्स होते हैं, दूसरे एनिमल्स उसको देख ना पाए, तो वैसे भी हम लोग नहीं कर सकते, है ना, और हम लोग के स्किन क्या है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो हम लोग का क्या स्पेशल है, तो मम्मी क्या कहती है उसकी, ह्यूमंस हैव रिमार्केबल इंटेलिजेंस, हम लोग के पास क्या है, अद्भुत बुद्धिमत्ता है, यानी हम लोग के पास बुद्धिमानी बहुत ज्यादा है, और इसी के वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं और दूसरे एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हाउ ट्रू सेड द चिल्ड्रेन, बहुत ये, और उन लोगों ने क्या किया, कहा कि ये तो बहुत सही बात है। उसके बाद शैल वी कम बैक हियर फॉर आवर नेक्स्ट समर वैकेशन, वरुण पूछता है कि पापा से कि क्या हम लोग अगली बार भी आ सकते हैं समर वैकेशन के लिए, तो पापा क्या कहते हैं, You seem to have read my minds. Read my minds मतलब मन की बात जान लेना, ठीक है, तो पापा उसको क्या कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम मेरे मन के बात जान गए हो, यानी कि पापा को भी, पापा भी उसके सोच रहे थे कि अगले समर वैकेशन को वो क्या करे, यही जंगल में दोबारा घूमने के लिए आए। तो ये था चैप्टर 3, अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार देख लेना, एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।